हेलो पीपल, वेलकम टू स्टीपी क्लासेस। आज 29 जून है, स्टार्ट करते हैं प्री मिक्स। सो आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है वो रिलेटेड है पिंक बॉलवर्म से। आपको बताना है इनमें से कौन से क्रॉप के साथ पिंक बॉलवर्म एसोसिएटेड है। सो यू कैन पॉज एंड द करेक्ट आंसर इज सी, कॉटन। सो पिंक बॉलवर्म बेसिकली अगर हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री ट्रेस करें तो बोलगार्ड वेराइटी आपने सुनी होगी, बोलगार्ड वन। तो ये जो वेराइटीज़ हैं कॉटन की, बीटी कॉटन जिसको बोलते हैं हम, तो उनमें क्या है कि दीज क्रॉप्स, दीज वेराइटीज देवर रेजिस्टेंट टू दीज बॉलवॉर्म्स। तो इसके बाद अभी प्रेजेंटली जो इंडिया में कल्टिवेट की जा रही है दैट इज़ BG2। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो पिंक बॉलवॉर्म है इसने इन दोनों वेराइटीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है। तो ऐसा दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि बॉलवॉर्म ने दोनों वेराइटीज़ BG1 एंड BG2 में रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है। ऑल दो जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जो कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। उनमें ऑल दो कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जैसे चाइना जो प्रेजेंटली बॉलगार्ड 1 ही यूज़ कर रही हैं, एंड कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जैसे अमेरिका जो कि बॉलगार्ड 3 पर चली गई हैं, लेकिन कहीं पर भी क्रॉप जो है जो बॉलवॉर्म है वो रेजिस्टेंट नहीं हुआ किसी भी वेराइटी के अगेंस्ट। लेकिन इंडिया में इंडिया स्पेसिफिक एक प्रॉब्लम आई है, तो इसको आप थोड़ा मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिसर्च कर सकते हैं कि इंडिया में ही ऐसा क्यों हुआ कि बॉलवर्म ने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली अगेंस्ट बोथ द वेराइटीज जो इंडिया में कल्टिवेट हो रही थी। ठीक है जी। सो ये इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वरिंग ट्रेंड है। एंड मोर ओवर ये न्यूज़ में क्यों आ रहा है कि इंडिया में कुछ कुछ जगहों पर जो बॉलगार्ड 3 है उसको कल्टीवेट किया जा रहा था, एंड इससे क्या हो सकता है कि अब जो कंसर्न का मैटर है कि हो सकता है कि वो बॉलगार्ड 3 के अगेंस्ट भी अपनी रेजिस्टेंस ना डेवलप कर दे। तो इलीगल जो कल्टीवेशन हो रही थी इसी कॉन्टेक्स्ट में दीज थिंग्स आर इन न्यूज़। ओके, मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वुड एन एस्ट्रोनॉट ऑब्जर्व व्हेन इन द स्पेस स्टेशन। तो स्पेस स्टेशन और अर्थ के कंपैरिजन में कौन कौन सी चीज़ें एस्ट्रोनॉट जो है वो ऑब्जर्व करेगा जब वो स्पेस स्टेशन में बैठा होगा। तो स्पेस स्टेशन में क्या जो कैंडल है वो उसी तरीके से उसी फ्लेम के साथ बर्न होगी, विद द सेम टीयर शेप्ड फ्लेम जो अर्थ पर देखने को मिलता है, जैसे ऐसा कुछ जो फ्लेम है, तो क्या स्पेस स्टेशन में भी इसी तरह का फ्लेम होगा। एंड दूसरी स्टेटमेंट कि वाटर डज नॉट बबल व्हेन इट बॉयल्स। सो यू कैन पॉज एंड द करेक्ट आंसर इज बी। तो जो दूसरी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। बबल्स क्यों बनते हैं जब वाटर बॉयल करता है? क्योंकि कुछ एयर मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं वाटर में, एंड जब वाटर बॉयल करता है तो दे कम आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। तो अब क्योंकि स्पेस स्टेशन में एयर ही नहीं है तो इसी वजह से वहाँ पर कोई बबल नहीं बनेंगे। एंड जो पहली स्टेटमेंट थी हमारी कि कैंडल बर्न विद द सेम टीयर शेप्ड फ्लेम, तो ये फ्लेम बेसिकली ऐसे हो क्यों रहा है? इट इज़ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अदरवाइज जो फ्लेम है इट शुड बी सर्कुलर। तो जो हम वहाँ पर देखेंगे स्पेस स्टेशन में फ्लेम देखेंगे वो सर्कुलर टाइप फ्लेम होगा, एंड इस तरीके से क्यों बनता है? क्योंकि ग्रेविटी है, एंड वहाँ पर क्योंकि माइक्रो ग्रेविटी है लो अर्थ ऑर्बिट में जहाँ पर स्पेस स्टेशन होगा, तो इसी वजह से वहाँ पर जो फ्लेम होगा वो भी सर्कुलर ही होगा। ओके जी, कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ अ फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल जैसे आपको पता होगा हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, मीथेन फ्यूल सेल है, तो बेसिकली फ्यूल सेल हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल को ही बोलते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये क्वेश्चन जो है आंसर करना है। तो क्या बाय प्रोडक्ट वाटर होगा या कार्बन डाइऑक्साइड होगा या हाइड्रोजन सल्फाइड होगा या मीथेन होगा? सो यू कैन पॉज एंड द करेक्ट आंसर इज ए, वाटर। तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो जो फ्यूल सेल है बेसिकली वो हाइड्रोजन को यूज़ करता है H2 को एंड ऑक्सीजन गैस को, इट शुड बी गैस है, तो ऑक्सीजन को एज अ फ्यूल यूज़ करता है, एंड जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तब बनता है वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो बाय प्रोडक्ट्स ये तीन हैं, इसीलिए वाटर जो है हमारा बाय प्रोडक्ट के रूप में आता है सामने। अब ये चीज़ न्यूज़ में क्यों थी, फ्यूल सेल न्यूज़ में क्यों थे? क्योंकि रिसेंटली ही एक ग्रुप ऑफ इंडियन साइंटिस्ट ने सिलेनियम ग्रेफीन बेस्ड कैटलिस्ट बनाया है जो कि ज़्यादा एफिशिएंटली एंड लेस कॉस्ट के ऊपर काम करेगा, एंड इट विल ऑल्सो रिमेन स्टेबल फॉर लॉन्गर टाइम। अदरवाइज जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं प्लेटिनम बेस्ड कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट बेसिकली क्या करते हैं कि जो हमारी ये रिएक्शन है इसको थोड़ा स्पीड अप कर देते हैं। तो अब क्योंकि सिलेनियम ग्रेफीन बेस्ड कैटलिस्ट बनाया है इंडियन साइंटिस्ट ने, तो इससे क्या होगा, थोड़ी फ्यूल सेल्स की कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, एंड ऑल्सो हम ज़्यादा स्टेबली इनको यूज़ कर पाएंगे। तो प्लेटिनम बेस्ड जो कैटलिस्ट है वो थोड़े महंगे पड़ते थे, तो ये एक अल्टरनेटिव की तरह सामने आ सकता है। एंड मोरओवर जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं या जो बैटरी पावर्ड हमें कार्स चाहिए या व्हीकल्स चाहिए, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी एक मेजर अचीवमेंट सामने आ सकती है
निकल कर. ठीक है जी, मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंथ्रेक्स आर ट्रू. तो पहली स्टेटमेंट आपके लिए कि क्या एंथ्रेक्स एक वायरल डिजीज है एंड कैन इट ऑल्सो इन्फेक्ट एनिमल्स लाइक हॉर्सेस शीप कैटल एंड गोट्स. एंड दूसरी स्टेटमेंट है कि क्या ये कंटेजियस डिजीज है, यानी क्या ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू स्प्रेड हो सकता है. सो यू कैन पॉज एंड द करेक्ट आंसर इज डी. सो दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं. बेसिकली एंथ्रेक्स जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है. तो बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस एंथ्रासिस. तो ये इन्फेक्शन ऑल दो सीरियस इन्फेक्शन है एंड जो बैक्टीरिया है दैट इज़ अ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया. ठीक है जी, एंड कॉमनली जो ये बैक्टीरिया है ये नेचुरली सॉइल में मिलता है हमें एंड इट कैन कॉमनली अफेक्ट द डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स अराउंड द वर्ल्ड. तो जैसे हमने देखा हॉर्स और शीप उनको अफेक्ट कर सकता है. तो जो पहली स्टेटमेंट थी वो पार्शली ट्रू थी कि उन एनिमल्स को तो अफेक्ट करता है लेकिन ये खुद बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ नहीं है. एंड पीपल इवन ह्यूमंस दे कैन गेट सिक विद एंथ्रेक्स अगर वो इन्फेक्टेड एनिमल्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं या फिर कोई कंटेमिनेटेड एनिमल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं. ह्यूमंस, पिग्स एंड डॉग्स आर कंपेरेटिवली, ऑल्दो दे आर कंपेरेटिवली लेस ससेप्टेबल दैन द वंस जैसे हमारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हो गए, शीप, हॉर्सेस, काउज एट्सेट्रा, एंड ओनली गेट इन्फेक्टेड इफ एक्सपोज टू द कोपियस अमाउंट ऑफ स्पोर्स. तो बेसिकली क्या है, जो सॉइल में भी ये स्पोर्स के फॉर्म में ही रहता है एंड व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद दोज एनिमल्स देन इट इन्फेक्ट्स द दे बॉडी. सो एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी सेकंड स्टेटमेंट से निकल कर आ रही है कि ये कंटेजियस नहीं है, यानी ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू स्प्रेड नहीं होता, कोल्ड या फ्लू से स्प्रेड नहीं होगा एंथ्रेक्स. तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा. ओके जी, मूविंग ऑन. इनफैक्ट एंथ्रेक्स भी न्यूज़ में इसीलिए था कि जो JNU एंड DRDO ने मिलकर बनाई है एक ज़्यादा इफेक्टिव वैक्सीन इस चीज़ की. तो वैक्सीन प्रिवेंटेबल तो है ये. ओके जी, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. तो जो पहली स्टेटमेंट है कि BT ब्रिंजल को अप्रूव कर दिया है फॉर सीड प्रोडक्शन बाय द GEAC, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, उन्होंने क्या BT ब्रिंजल को अप्रूव कर दिया है फॉर सीड प्रोडक्शन. एंड दूसरी स्टेटमेंट है कि इट इज़ द फर्स्ट GM फूड क्रॉप दैट हैज़ बीन कल्टिवेटेड इन इंडिया. तो पहला क्रॉप क्या, जो पहला GM क्रॉप था क्या वो BT ब्रिंजल है. सो यू कैन पॉज एंड द करेक्ट आंसर इज वन ओनली. तो दोस्तों ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि जो GEAC है उसने अप्रूव कर दिया था BT ब्रिंजल को कि इसको आप इसकी सीड प्रोडक्शन कीजिए एंड इसके लार्ज स्केल के फील्ड ट्रायल्स भी लीजिए. लेकिन अब इसके बाद जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड कुछ एनवायरमेंटलिस्ट एंड कंज्यूमर ग्रुप्स हैं, उन्होंने मिलकर इसको अपोज किया. तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने अभी तक अपना अप्रूवल नहीं दिया है. ठीक है जी, तो ये चीज़ जो नोट करने वाली है, अदरवाइज़ यू मे बी ट्रिक्ड के क्योंकि कल इसको रोक दिया गया था तो वो GEAC ने अप्रूवल नहीं दिया होगा. तो ऐसा नहीं है, GEAC हैज़ अप्रूव्ड इट ऑलरेडी. एंड दूसरी जो स्टेटमेंट है, तो पहला जो GM क्रॉप है, इनफैक्ट जो ओनली GM क्रॉप है जो इंडिया में परमिटेड है, दैट इज़ BT कॉटन, जिसके बारे में हम बोलवाम के कॉन्टेक्स्ट में हम पहले ही बात कर चुके हैं. सो प्रेजेंटली जो डिबेट है इंडिया में वो इन तीन फूड क्रॉप से रिलेटेड है, ब्रिंजल, मस्टर्ड एंड पोटैटो. तो इनको जो जेनेटिकली मॉडिफाई करने की बात चल रही थी, लेकिन सबसे पहले इनमें से BT ब्रिंजल को अप्रूवल दिया था GEAC ने, दूसरों के अभी अप्रूवल भी पेंडिंग है. ठीक है जी, सो दैट इज़ ऑल. थैंक यू.